हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो इधर बीच तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बता रखा था कि मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी हूँ। नहीं पता होगा तो जाकर टेलीग्राम चेक करना, ठीक है। बट आज भी मैं दिखता हूँ कि टॉप बॉटम जो स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, आज काम किया तो कहाँ पर काम किया, कैसे काम किया, थोड़ा सा ये मैं आपको लोगों को वो भी ओवरव्यू देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है हमने। निफ्टी आज ओपन कहाँ हुआ है? निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल बनने के बाद उसका भी लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर जो भी मेरे प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले बंदे हैं, जिनको नॉर्मल प्राइस एक्शन आता है, वो यही सोचेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, कल मार्केट में बहुत बढ़िया अपसाइड का भी मूवमेंट आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। उनकी इस मानसिकता की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं सेल का प्लान किए होंगे और मार्केट उनको ट्रैप करके पूरा का पूरा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। लेकिन अब बात करें हमारी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी की, सिस्टम की, तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बॉटम में अपॉर्चुनिटी मिली है निफ्टी में, और एक बहुत बढ़िया जैकपॉट देखने को मिला हुआ है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको भी दिखाने ट्राई करता हूँ। देखो, नॉर्मली तो मैं लेवल्स पर ही काम करता हूँ, लेकिन आज देखोगे आप तो लेवल्स के नीचे भी मार्केट गया हुआ है, बट लेवल्स के नीचे भी एंट्री बनी है। तो यही तो मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, केवल लेवल से मतलब नहीं है, कब कौन से लेवल पर काम करना है, कब कौन से लेवल के नीचे काम करना है, कब कौन से लेवल के ऊपर काम करना है, किस लेवल को इग्नोर करना है, किस लेवल पर काम करना है, ये सारा का सारा रूल्स है, ठीक है। ये फिल्टर है, रूल्स को मान सकते हो फिल्टर है, कि मतलब रूल्स लगाने के बाद वही एंट्री मिलेगी जिसमें आपको जैकपॉट मिलने का अधिकतम चांस होगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्केट ने काम किया हो। वहीं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद इसकी भी कहानी वही है कि पहले तो डाउन दिया बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके, लोगों की मानसिकता जैसे कि नॉर्मल रहती है कि रेड कैंडल गिर रहा है भैया बेच दो, बेचने वाले बेच के परेशान हो गए, और मार्केट फिर वहीं से हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग जैकपॉट ट्रेड दे दिया। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है? इसका फ़ायदा वही उठा पाएंगे जिनको सारे रूल्स पता है। क्योंकि देखो, आधा अधूरा ज्ञान, मैं आप सभी लोगों से भी बोलता हूँ कि अगर देखो, अगर आपको लगता है कि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी एक्चुअली में काम कर रही है, ये लेवल्स में मार्केट खुलने के पहले भी निकाल देता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, कल तो मैंने ऐसे दे रखा था। देखो, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मैं आप लोगों को लेवल्स दूँ, टिप्स दूँ, ये सारी चीज़ें मेरा इंटेंशन है ही नहीं। अगर मेरे को ये सब देना होता तो मैं आज से पहले कब का देता रहता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लेवल्स क्यों नहीं देते हो, पहले की तरह लेवल्स दिया करो। लेवल्स ना देने का रीज़न मेरा एक ही है, क्योंकि मैं आपको क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस लेवल्स पर काम ही करना है। हो सकता है इस लेवल्स पर काम नहीं करना, आपको अगले लेवल्स पर इंतजार करके काम करना है। तो लेवल्स देख करके आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर एंट्री भी कर सकते हो बिना रूल के। अगर रूल पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे ब्लू रंग के नीचे यहाँ पर भी ओपन हुआ है, लेकिन इस पर एंट्री ही नहीं करना था। भले मार्केट ऊपर गया, उससे क्या मतलब है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये सारी चीज़ें रूल्स का पार्ट है। क्योंकि अगर इस तरह से आप गलती करोगे, एक भी अगर आप रूल्स स्किप कर रहे हो, तो ये मान लो कि आपको नुकसान होना ही होना है, कोई बचा नहीं सकता आपके नुकसान को। और जिनको सभी रूल्स पता है उनके तो मौज है। अभी देखो, अभी संडे को हमारी लाइव क्लास होने वाली है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम और क्रैक द मार्केट कोर्स की, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर एंट्री हुई है, कल पे बोल दिया यहाँ पर एंट्री बनी है, टॉप बॉटम पे रोज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। अब आप बोलोगे मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? देखो, अपने सिस्टम की खुद ही तारीफ करने में कैसा मज़ा, ठीक है। मज़ा तो तब है कि जब स्टूडेंट तारीफ करें। इस बार का लाइव क्लास में कुछ धमाल ही होने वाला है। इस बार मैं नहीं बोलूँगा, इस बार स्टूडेंट खुद आपको बताएंगे। आप देखना, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी डालूँ। स्टूडेंट खुद बताएंगे कि सर बॉटम में एंट्री मिली हुई है, कितना छोटा लॉस के साथ, स्टूडेंट ही बताएंगे। इस बार मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि तो मैंने उनको सारी चीज़ें सिखा रखी है एज इट इज। आप भी देखना, आप लोगों को देखो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। आप लोग सोचते हो कि बस टॉप बॉटम स्टडी की हर जगह तारीफ करता रहता है, हर जगह बस अपने तारीफ करने में लगा हुआ है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी से मार्केट कैसा भी हो, चाहे गैप अप हो, देख आपको कल नहीं देखा, चाहे गैप डाउन हो, साइडवेज हो, फ्लैट ओपनिंग हो, ऊपर जाए, नीचे जाए, न्यूज रहे, कुछ
कुछ भी रहे मार्केट किसी भी कंडीशन में, एक ही सेटअप, एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग हर दिन आप ट्रेड करके और सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, मैं इस बार लाइव क्लास में ये भी दिखाऊंगा, वो भी मैं नहीं बोलूंगा, इस बार स्टूडेंट ही बोलेंगे। चाहे आप कोई सा भी फ्लैट पैटर्न फॉलो कर लो, चाहे आप एम पैटर्न फॉलो कर लो, चाहे आप कोई इंडिकेटर लगा लो, सबसे छोटा लॉस इंट्राडे में आपको टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पर मिलेगा। और ये मैं नहीं बोलूंगा इस बार, इस बार मैंने बोला ना कि अपने मुंह से तारीफ करने में कोई मजा नहीं है, मजा तो तब है जब स्टूडेंट बोलेंगे। अब परसों की लाइव क्लास में देखना है कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, वो लर्निंग वीडियो देख लेना, संडे को लाइव क्लास होगी, जो जो डाउट भी होंगे वो भी पूछ लेना, और आप लोग खुद ही बताओगे रिस्पॉन्स कैसा है और स्ट्रेटजी काम करती कि नहीं करती है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, हालांकि डिस्काउंटेड सीट एंड हो चुका है, फुल हो चुका है, लेकिन आज के लिए मैं 40% ऑफ वाला डिस्काउंटेड सीट एक्सटेंड कर दिया हूँ, केवल केवल आज के लिए। और एक दिमाग में डाल लो, ये लास्ट चांस है। जी हाँ, ये लास्ट चांस है, इसके बाद आप लोग डिस्काउंट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। रीजन क्या है? क्योंकि तो यार मार्केट की इतनी सही सेटअप, मार्केट में इतने सारे गलत चीज़ों को फॉलो करने के बाद, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद, कहीं जा कर के एक प्यारा चीज़ पूरा डिसिप्लिन के साथ, हर जो हर डे टाइप के मार्केट में काम कर रहा है, टॉप सीक्रेट चीज़ें मैं आप लोग को डिस्काउंट में दे रहा हूँ, डिस्काउंट इस पर सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ख़राब हो रही है। मैं आज आप लोगों के साथ बता रहा हूँ लास्ट में, अदरवाइज इसके बाद अगर कोई बंदा डिस्काउंट के लिए सोचेगा कि बार बार डिस्काउंट आएंगे, तो भाई मेरे भूल जाना, ठीक है। आज लास्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, और अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। जितनी भी मेरे ट्रेड आपने चैनल पर देख रखे हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कोई भी हो, सब का सब दिन यही सेटअप यही स्ट्रेटजी लगी हुई है। आप लाइव क्लास में आके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर उस दिन का आपने दूसरी स्ट्रेटजी लगा दी। अगर कोई बंदा ये प्रूफ कर देता है, मेरे जितने भी ट्रेड हैं इसमें आप देख सकते हो, चाहे 6 हज़ार का प्रॉफिट हो, चाहे 2 हज़ार का हो, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे नुकसान हो, जो भी आप ट्रेड देख रहे हो, इधर एक साल से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक साल में अगर जितने भी आपको ट्रेड दिख रहे हैं, अगर आपने किसी एक भी दिन का ये चीज़ें प्रूफ कर दिया कि जो मैं आपको सिखाया, जो स्ट्रेटजी बताया, जो रूल्स बताया, उसके अलावा मैंने कुछ भी लगाया हो, या फिर उसके अलावा मेरी एक भी ट्रेड की अगर एंट्री होगी, तो आप ये बात मेरी नोट कर लो, अगर आप कोई भी ट्रेड की वीडियो प्रूफ करते हो, ठीक है, कि मैं कोई अलग सेटअप लगा रहा हूँ, आप आपको 100% रिफंड कर दूंगा, ठीक है। जितना भी कोर्स में पैसे दिए हैं आपने, आपको 100% रिफंड कर दूंगा, लेकिन कंडीशन केवल एक ही है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जितने भी ये ट्रेड हमने ले रखे हैं इसमें से कोई सा भी ट्रेड उठा कर चेक करा देना आया कि जो मैं आपको सिखाऊंगा टॉप बॉटम स्ट्रेटजी उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि कॉल बेचना है और मैं खुद पुट बेच दिया। देखो मैं बहाने नहीं करता, ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो अब मिलते हैं सीधा संडे को, और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है वो भैया संडे को रेडी रहना। इस बार जो होगा रिकॉर्ड बनने के मूड में है, और इस बार मैं भी पूरे मन के साथ आ रहा हूँ, ठीक है। तो रेड मिलते हैं फिर संडे को लाइव क्लास में।